हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कंजक पूजन थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम काले चने ले लिए हैं। इन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अब हम इन्हें वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी उतना ही डालना है कि चने अच्छे से भीग जाएं। एक चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा डाल देंगे। अब हम इसे बंद करके 5 सीटी आने तक पका लेंगे। तब तक हम पूड़ी के लिए आटा गूंद लेंगे। ये मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे। आटे के ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे और इसे कपड़े से ढककर रख देंगे। चने के लिए हम मसाला रेडी कर लेंगे। ये मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ले लिया है, 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच ही जीरा पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी रेडी कर लेंगे। ये मसालों की स्लरी रेडी हो गई है। अब हम चने चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम तड़का रेडी कर लेंगे। 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे ऑयल में और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसमें हम अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें जो हमने मसाले की स्लरी रेडी की थी वो डाल देंगे और इसे ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। अब मसाले में से ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें हम चने ऐड कर देंगे और उसमें जो पानी बचा हुआ है वो भी हम साथ में ही डाल देंगे। चने में से सारा पानी सूखने तक हम इसे पका लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। ये चना मसाला रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हलवा बनाने के लिए हम पहले चाशनी रेडी कर लेंगे। ये मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है। अब हम इसमें जो कटोरी से हमने चीनी का मैयर किया है उसी कटोरी से हम 3 कप पानी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे हम बॉयल आने तक पका लेंगे। अब इसमें बॉयल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। चाशनी रेडी होगी। उसी कटोरी की मेजरमेंट से मैंने 1 कटोरी देसी घी ले लिया है और 1 कटोरी ही मैंने सूजी ले ली है। अब सूजी को हम मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक पका लेंगे। अब सूजी का कलर चेंज हो गया है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे चाशनी ऐड कर देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब सूजी का हलवा बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब हम पूरी रेडी कर लेंगे।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।